हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी विल लर्न कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यू नो एनी थ्री डिजिट नंबर इज़ बिगर देन एनी टू डिजिट नंबर हाँ बच्चों आज हम नंबर्स के छोटे या बड़े होने के बारे में पढ़ रहे हैं कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है आप जानते हैं 320 हंड्रेड एंड ट्वेंटी इज बिगर देन नाइन्टी एट बिकॉज इट इज थ्री डिजिट नंबर ये तीन अंकों का नंबर है और 98 एट टू अंकों का नंबर है तो आप जानते हैं कि 300 में है ये 98 एट में है और ये तीन डिजिट है ये टू डिजिट है तो दिस नंबर इज बिगर ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है सेम एज फोर डिजिट नंबर इज बिगर देन थ्री डिजिट नंबर लाइक दिस सिक्स थाउजेंड इज बिगर देन फोर हंड्रेड सिक्स थाउजेंड बड़ा है फोर हंड्रेड से यदि आपको सिर्फ फोर हंड्रेड रुपीज मिलेंगे तो वो कम होंगे लेकिन आपको सिक्स थाउजेंड मिलेंगे तो वो बहुत सारे रुपए हो जाएंगे ये तो आप थर्ड में थक थर्ड में भी पढ़ चुके हो यहां तक थ्री डिजिट का तो आपने थर्ड में पढ़ चुके पढ़ चुके हैं नाउ वी विल कम्पेयर नंबर फोर डिजिट अब जिसमें फोर डिजिट है उन नंबर्स का हम कंपेयरिंग कैसे करेंगे उसको मैं आपको समझा रही हूं यहाँ है दिस नंबर इज फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी एंड द सेकेंड नंबर इज टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी एट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द्लेस ऑफ थाउजेंड आपको सबसे पहले ये थाउजेंड की प्लेस दोनों की चेक करना है कि यदि यहां पर फर्क है तो हम जल्दी से बता सकते हैं कि मतलब कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है सो हियर इन थाउजेंड प्लेस इज फोर एंड हेयर इट इज टू सो यू नो विच नंबर इज बिगर फोर इज बिगर चार बड़ा है दो से तो आप पूरा नंबर कंफर्म कर सकते हैं कि फोर थाउजेंड वाला नंबर बड़ा है टू थाउजेंड वाला नंबर छोटा है सो वी कैन से फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी इज बिगर देन टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी एट ओके आर यू फॉलोड आई थिंक यू फॉलोड दिस कंपेरिजन नेक्स्ट हियर इट द नंबर इज नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी एंड सेकेंड नंबर इज नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी नौ इन द थाउजेंड प्लेस देयर इज सेम नंबर यहां भी नाइन थाउजेंड है और यहां भी नाइन थाउजेंड है फिर आप कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है तब आपको ये हंड्रेड की प्लेस को चेक करना पड़ेगा इन हंड्रेड प्लेस हियर द नंबर इज सिक्स एंड हियर द नंबर इज फोर सो फोर इज स्मॉलर देन सिक्स सो नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी इज स्मॉलर नंबर एंड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी इज बिगर ओके तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा हम बिगर बता रहे ऐसा भी बोल सकते हैं कि नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी इज स्मॉलर ये छोटा है स्मॉलर देन किससे छोटा है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी समटाइम्स बोथ द नंबर्स विल बी सेम देन हाउ विल वी से द नंबर विच नंबर इज बिगर और विच इज स्मॉलर सो दिस इज दर्ड एग्जाम्पल अब यहां देखिए कि इसमें क्या एक जैसा है ये नंबर है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी फोर एंड दिस नंबर इज फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर इन द थाउजेंड प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी थाउजेंड प्लेस इन द थाउजेंड प्लेस बोध द नंबर आर सेम इधर भी फाइव है और इधर भी फाइव है इन द हंड्रेड प्लेस हियर आर ऑल्सो सिक्स एंड ही आर ऑल्सो सिक्स दोनों तरफ समान नंबर है अब हमको कहाँ देखना पड़ेगा कैसे मालूम होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है तब हम टेंस की प्लेस पे जाएंगे इन द टेंस प्लेस हियर इट इज फोर एंड इन द टेंस प्लेस हियर इट इज टू सो विच नंबर इज बिगर फोर सो होल नंबर ये पूरा नंबर ही बिगर नंबर होगा और ये पूरा क्योंकि ये ट्वेंटी फोर है ये फोर्टी फोर है To five thousand six hundred and forty four is bigger than five thousand six hundred and twenty four. One more example for you. And this number is six thousand five hundred and twenty five. And this number is and, uh, six thousand five hundred and twenty-one. In this example, three places are same. This either be six, six thousand, ya yeah, be six thousand. Yeah, be five hundred, ya yeah, be five hundred. Yaha two tens, ya yeah, be two tens. But difference in the unit place. Here it is five. Unit and here it is one unit. So which number is smaller? One is smaller. So complete this number is smaller than this number. We can say six thousand five hundred and twenty-one is smaller than six thousand five hundred ट्वेंटी फाइव तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको पूरे प्लेसेस पे अच्छे से वॉच करना है देखना है कि कौन सा नंबर से बड़ा या छोटा लग रहा है फिर हम उसकी कंपैरिजन हर प्लेस को जब हम देख लेंगे तो हम उसकी कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग द

तो हमको समझ में आ रहा है कि टू थाउजेंड इज बिगर एंड वन थाउजेंड इज स्मॉलर सो वी विल राइट फर्स्ट स्मॉलर नंबर सो स्मॉलर नंबर इज वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी एट एंड बिगर नंबर इज टू थाउजेंड सो वी विल राइट हियर टू थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री एंड वन मोर प्रॉब्लम आई विल टेल यू सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम आई विल टेल यू ये नंबर है नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन एंड दिस नंबर इज नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन सो इट इज वेरी सिंपल बिकॉज दिस इज फोर डिजिट नंबर एंड दिस इज थ्री डिजिट नंबर सो विच नंबर विल बी स्मॉलर थ्री डिजिट नंबर यह नाइन हंड्रेड में है तो ये स्मॉल होगा ना और ये थाउजेंड वाला है फोर डिजिट का है तो ये बड़ा होगा सो वी विल राइट इन स्मॉलर प्लेस नाइन हंड्रेड नाइन टी नाइन थ्री डिजिट का नंबर हमने स्मॉलर में डाल दिया और फोर डिजिट बड़ा है तो फोर डिजिट को हम बिगर में डालेंगे नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन आपको मैंने ये ये वाला एक प्रॉब्लम और ये एक करके बताया अब आपको क्या करना है बच्चों घर में ये बाकी के प्रॉब्लम कंप्लीट करना है आपकी कॉपी में ये टेबल बनाना है और आपको पूरा ये कंप्लीट करके रखना है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यू लर्न अबाउट कंपेरिजन ऑफ नंबर्स नाउ यू कैन अरेन्ज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपने नंबर्स का कंपेरिजन सीख लिया तो आप अब नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं सिंपली आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल सी दिस पेन इज ऑफ फाइव रूपीज एंड पेन दिस पेन इज ऑफ सेवन रूपीज एंड धिस पेन इज ऑफ टेन रूपीज सो so, which इज द चीपेस्ट पेन दिस इज द चीपेस्ट पेन बिकॉज दिस इज of five rupees ये कम रुपए का है और costliest वाला कौन सा है महंगा वाला पेन ये टेन rupees का ठीक है तो यदि हमको किसी ने बोला इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाओ तो सबसे पहले हम कम कीमत वाला फिर उससे थोड़ा ज्यादा कीमत वाला और फिर सबसे ज्यादा कीमत वाले पेन को लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर लाइक दिस फाइव देन सेवन देन टेन दिस इज असेंडिंग ऑर्डर एंड इफ आई वॉन्ट टू टेल यू डिसेंडिंग ऑर्डर तो ये पेन को कैसे लगाना पड़ेगा सबसे पहले कॉस्टलीस्ट वाला पेन तो ये आएगा इधर ये सबसे महंगा टेन रूपीज वाला पेन फिर उससे थोड़ा कम वाला ये सेवन रुपीज वाला पेन इसको हटाते हैं ये सेवन रुपीज सबसे महंगा वाला उससे थोड़ा कम वाला सस्ता वाला और ये सबसे सस्ता वाला ये टेन देन सेवन देन फाइव दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर नाउ वी विल अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर इन दिस नंबर्स ओके नंबर टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी एंड दिस इज एट थाउजेंड एंड दिस नंबर इज फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और आपको मैंने बताया कि जब आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो पहले सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढना है आप सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा जब इस प्रकार से लगाएंगे तो आपका होगा असेंडिंग ऑर्डर ओके सो वी विल अरेंज फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर अभी हमको सबकी थाउजेंड की प्लेस चेक करना है हियर इन दिस नंबर इन थाउजेंड प्लेस देयर इज टू

सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नंबर टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एट्टी ये स्मॉलेस्ट नंबर था अब हमको उससे बिगर नंबर बिगर देन टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एट्टी इससे बिगर नंबर एट थाउजेंड है क्या ये एकदम इससे भी बड़ा है फाइव थाउजेंड से भी बड़ा है सो so,

उजेंड सो वी विल राइट नाउ एट थाउजेंड सो धिस इज असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल नंबर स्मॉलर देन बिगर नंबर एंड बिगेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर आपने लिखा है तीन नंबर में से टू थाउजेंड वाला फिर उससे थोड़ा बड़ा था टू थाउजेंड से फाइव थाउजेंड तो उससे बड़ा नंबर आपने फाइव थाउजेंड वाला लिखा और 2000 और 5000 से सबसे बड़ा था 8000 तो इसको आपने लिखा लास्ट में ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर नाउ वी विल राइट डिसेंडिंग ऑर्डर नाउ वी हैव टू फाइंड बिगेस्ट नंबर फ्रॉम ऑल दीज थ्री नंबर ये तीन नंबर में से जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा क्योंकि डिसेंडिंग में पहले बिगेस्ट नंबर देन स्मॉलर देन बिगेस्ट नंबर देन लास्ट वन इज स्मस्ट नंबर ओके सबसे बड़ा नंबर तो सबसे बड़ा इसमें अपन ने क्या देखा था एट थाउजेंड उससे छोटा क्या था फाइव थाउजेंड सो फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और सबसे स्मॉलेस्ट क्या था इसमें टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी सो आर यू अंडरस्टैंड दैट असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझा बच्चों मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा उससे बड़ा और सबसे बड़ा यह ऑर्डर लगाना पड़ता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा ये क्रम लगाना पड़ता है ओके okay? अब इस पर आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स दिए हैं और वो प्रॉब्लम में से मैंने आपके लिए दो प्रॉब्लम्स यहां सॉल्व करके दिखाने के लिए लिए हैं सो राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यार आर टू एग्जाम्पल्स सो आई विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स फॉर यू Uh, numbers are two thousand three hundred forty-five, two thousand three hundred forty-nine, two thousand three hundred forty-seven. So first of all, we will write ascending order. Huh. Now we will see. First of all, we will see uh, thousand place. थाउसेंड प्लेस में टू 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 इन द ऑल थ्री नंबर देयर इज टू सो वी कांट से द विच नंबर इज बिगर और स्मॉलर थाउजेंड की प्लेस को देखकर आप नहीं बोल सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है सो नाउ वी विल सी द दंड्रेड प्लेस इन हंड्रेड प्लेस देयर इज थ्री हियर आर ऑल्सो थ्री एंड हियर आर ऑल्सो थ्री ऑल द थाउजेंड एंड हंड्रेड प्लेस आर सेम

फाइव नाइन एंड सेवन में से कौन सा सबसे स्मॉल है फाइव ओके सो दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव इज स्मॉलेस्ट सो उसको सबसे पहले लिखेंगे अब बिगर देन दिस नंबर इससे बड़ा टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव से बड़ा क्या रहेगा नाइन रहेगा क्या नहीं सेवन क्योंकि फाइव के आगे हम जाएंगे तो एकदम नाइन नहीं आएगा पहले सिक्स फिर सेवन आता है और सेवन के बाद एट के बाद नाइन आता है सो दिस नंबर इज बिगर देन टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव सो इन सेकेंड प्लेस वी विल राइट टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी सेवन एंड बिगेस्ट नंबर इज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर now we will write descending order अब हमको मालूम हो गया है कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है सो वी विल राइट इजीली फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट नंबर बिकॉज इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और आपने फाइंड आउट कर लिया है कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है 2349. थाउजेंड so, सो उसको सबसे पहले लिखेंगे 2349. क्योंकि इसमें बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है एंड इन सेकेंड प्लेस द सेम नंबर 2347 बिकॉज इट इज स्मॉलर देन नाइन और अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2345. थाउजेंड okay? थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव ओके Now we I will tell you second this problem uh, six thousand five thousand and seventy three thousand and seven. So we will arrange first of all ascending order. So look first of all you look the thousand place if here there is difference then we can easily tell the which number is bigger or smaller in the thousand place in first number there is six and here five here and here three so six thousand five thousand and three thousand इन असेंडिंग ऑर्डर वी नीड स्मॉलेस्ट नंबर इन फर्स्ट प्लेस तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए तो सिक्स थाउजेंड फाइव थाउजेंड और थ्री थाउजेंड में सबसे छोटा क्या है थ्री थाउजेंड सो वी विल राइट इी थाउजेंड सेवन दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट नाउ बिगर देन थ्री थाउजेंड सेवन थ्री थाउजेंड सेवन से बड़ा नंबर आपको यहां ढूंढना है तो so, आप एकदम थ्री uh, के बाद फोर या फाइव पे जाएंगे तो इधर फाइव है सो फाइव थाउजेंड सेवेंटी एंड बिगेस्ट नंबर इज सिक्स थाउजेंड ओके सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलर देन बिगर नंबर एंड बिगेस्ट नंबर सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा नाउ आई विल राइट डिसेंडिंग ऑर्डर नाउ इट इज इजी बिकॉज वी फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर आपने ढूंढ लिया कि बड़ा नंबर कौन सा है तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट नंबर सिक्स थाउजेंड फिर उससे छोटा फाइव थाउजेंड सेवेंटी और सबसे छोटा थ्री थाउजेंड एंड सेवन एंड ये मैंने आपको एक्सरसाइज के टू प्रॉब्लम्स करके बताए आपको पूरा एक्सरसाइज जो आपके बुक में यहां दिया है ये एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीट सिक्स प्रॉब्लम्स आपकी कॉपी में करके रखना है ओके okay? तो आपको ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझा होगा ऐसा मैं मानती हूं थैंक यू